नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती को लेके एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी आप ऐसे बोल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि उसने अभी तमाम जो पोस्ट बच गई थी एलटी के लिए, है ना, या फिर आपका अन्य प्रवक्ता के लिए या आपके सहायक अध्यापक के लिए अधियाचन मांगा है। और अधियाचन इन द सेंस कि जो सीटें रिक्त रह गई हैं या सीटें रिक्त हैं मौजूदा समय में, उनको कितनी सीटें किस, चाहे वो जिलावार हो या फिर आपका विद्यालयवार हो और या विषयवार हो, पूरा का पूरा वहाँ पे जानकारी मांगी गई है, जो 26 तारीख को शाम के 4 बजे तक देना एक निर्धारित किया गया है समय को। तो इससे हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिल सकती है और बहुत बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चंद सप्ताह में आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी फिर से एलटी ग्रेड की भी, आपकी जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं और इवन माध्यमिक परिषद माध्यमिक स्कूलों में भी किसके थ्रू, यूपीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा होगी आयोजित कराई जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ये आपका है। अभी आज का ही ये जो आपके पास पत्र है यहाँ पे मिला है, शिक्षा निदेशक, आप देख सकते हैं माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति एलटी यहाँ पे लिखा हुआ है और शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। इन्होंने विषय क्या है आप विषय सीधा देख लो, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कब देना है, 26/10/2021 को शाम के 4 बजे तक देना है। अलग अलग कौन सा जोन वार, विद्यालय वार और विषय वार उपलब्ध करवाना है। जो पहले कुछ बच गए थे या कुछ प्रमोट हो गए या नियुक्त नहीं हो पाए या ट्रांसफर हो गया, इन तमाम चीज़ों को सबको उन्होंने क्या बोला है कि ये रिक्त स्थान के अंतर्गत ही आएंगे और उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली है, ये बात भी दिमाग रखिएगा। प्रारूप उनका है तो इससे हमें खैर मतलब नहीं है कि किस प्रारूप में, ये तो जो विभाग हैं वो उन्हें इस प्रारूप में देंगे, क्रम संख्या, जनपद का नाम, श्रेणी, विद्यालय का नाम, संवर्ग, महिला पुरुष में कितना खाली है, किस विषय में कितना खाली है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, ये तमाम कॉलम भर के उन्हें देना है। ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये तो आयोग के लिए है, लेकिन हमारे आपके लिए इतना है कि फिर से जो बच्चे जीआईसी में टीजीटी पीजीटी में चूक गए हैं या अभी नए फ्रेशर अभी आ रहे हैं अपनी तैयारी और बहुत जल्द ही सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ा अवसर आपके सामने एक बार फिर से यूपीपीएससी लेके आ रहा है और यूपीपीएससी अपने बातों का पक्का होता है, जो कहता है वो करता है और बहुत जल्दी परीक्षा भी करवाएगा और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी घोषित करेगा। तो पूरा कमर कस लीजिए, टीम परीक्षा प्लस पहले से ही कोर्स इसका लॉन्च कर दी थी, जीएस का कोर्स चलाया जा रहा है, 24 के बाद वो बहुत प्रॉपर तरीके से चलाया जाएगा, अभी कल पीसीएस की परीक्षा हो जाने के बाद, तो अभी भी 50% से ज़्यादा 55% ऑफ चल रहा है। करीबन ये 899 में कोर्स है, जो कोर्स आपका 1500 का कोर्स है, ये आपका 2000 का कोर्स है, 899 में मिल रहा है, तो 55% से ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफर मिल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। जब विषय के आ जाएंगे तो उसके विषय के बारे में भी सारे के सारे जो कोर्सेस हैं वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपनी तैयारी आप बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इस वर्ष आपको एक पद, एक नौकरी, एक अध्यापक का जो आपका सपना है वो करके दिखाना है। और टीम परीक्षा प्लस पहले की बात ही, चाहे वो जीआईसी की बात हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है, बहुत अच्छी तैयारी कराती आई है और एक बार फिर से हम लोग मिलके बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। तो फिर इस पूरे समग्र जानकारी के साथ हम एक बार फिर से मिलेंगे। एलटी वगैरह किसी भी चीज के अलग से जानकारी लेने के लिए आप यूट्यूब हमारे परीक्षा प्लस पे ही देख सकते हैं, वहां पे एलिजिबिलिटी और सारी तमाम जानकारी आशीष सर द्वारा दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी पुश कर लें ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी, पूरी तैयारी, सब कुछ आपके समय समय पे होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।